हेलो गाइस, तो आज हम सिंपल स्टेशनरी को यूनिकॉर्न स्टेशनरी में बदलेंगे। तो सबसे पहले हमने खाली माचिस का डब्बा लिया है, उसको वाइट पेपर से कवर कर दिया। फिर उस पर यूनिकॉर्न का जो फेस होता है लोगो, वो बनाने के बाद इसके अंदर जो है हम शार्पनर को डाल देंगे, उसे चिपका के इसमें छेद कर देंगे कैची से। और फिर हमारा यूनिकॉर्न वाला शार्पनर रेडी है। तो अब हम नेक्स्ट बनाने वाले हैं इरेजर। तो पहले हमने वाइट पेपर से उसको कवर कर दिया, फिर उस पर भी सेम जैसे हमने उस पर लोगो बनाया था, वही हम यहाँ पर भी रिपीट कर रहे हैं। तो लोगो बना लेंगे, उसके बाद इस पर ब्लश लगा देंगे। फिर मैंने इस पर यूनिकॉर्न लिखा है। नेक्स्ट अब हम पेंसिल पे पूरा कवर कर देंगे वाइट पेपर, उसके बाद कवर कर रहे हैं अभी हम। और मेरा ये छोटा पड़ गया तो मैंने गम से चिपका दिया। अब यूनिकॉर्न पे कलर करके ड्रॉ करके कट कर दिया। अब पेंसिल पे यूनिकॉर्न लिख के और यूनिकॉर्न को चिपका दिया। तो आप देख सकते हैं मैंने किस तरीके से चिपकाया यूनिकॉर्न को। तो जिस तरीके से वीडियो में चिपकाया था, उस तरीके से चिपकाने के बाद हमारी यूनिकॉर्न की पेंसिल रेडी है। अब हम स्केल बनाएंगे। तो हमने दो कार्डबोर्ड कट करके उसे पेस्ट कर लिया, फिर उसके ऊपर वाइट पेपर चिपका दिया और एक्स्ट्रा जो इसका पार्ट है उसे कट कर दिया। उसके बाद जो स्केल पे ड्रॉ है वो हमने इस स्केल पे ड्रॉ कर लिया। फिर यूनिकॉर्न कट करके उस पर चिपका दिया, कलर भी कर दिया उस पर। तो अब हम यहाँ पर फिर यूनिकॉर्न लिखेंगे। तो अब यूनिकॉर्न लिख रहे हैं हम, इसमें हमने यूनिकॉर्न लिख दिया। अब हमारे पास गम है, तो ये बहुत सिंपल है, बस इस पर पेपर स्टिक कर दिया, फिर मैंने यूनिकॉर्न बना दिया। और आप इसमें कुछ भी बना सकते थे, लोगो वगैरह। मैंने बस यूनिकॉर्न लिखा और यूनिकॉर्न गम ऐसे ही लिख के बस यूनिकॉर्न गम बन गया है। तो आप हमारे वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाइएगा। आप कभी लाइक नहीं करते हैं, तो इस बार आपको करना पड़ेगा। और कमेंट भी करिएगा कि आप कौन बना रहा है ये और कौन नहीं बना रहा। तो हमने वैक्स क्रियोन ली, उसे वाइट पेपर से कवर कर दिया, दोनों साइड से कवर कर रहे हैं। उसके बाद फिर हमने बंद कर दिया इसे और फिर हमने यूनिकॉर्न ड्रॉ किया, उस पर कलर कर दिया। अब हम नेक्स्ट यहाँ पर वैक्स क्रियोन लिख रहे हैं। तो अब हमने वैक्स क्रियोन लिख दिया है और हमारा ये पूरा सेट बन चुका है।